दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केशरी प्रसाद। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, उसको सुन के आप बेशक परेशान भले ही ना हो, लेकिन आप शॉक्ड ज़रूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बेसिकली हम जो समाज का जो निर्माण होता है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र रिश्तों से होता है। उसमें से एक जो पवित्र रिश्ता होता है, जो विश्वास का रिश्ता होता है, जो सात जन्म का रिश्ता होता है जिसको हम बोलते हैं, वो पति पत्नी का रिश्ता होता है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि एक पति जो अपनी ही पत्नी का रेप करवाता था अपने दोस्तों को बुला के, तो आपको कैसा महसूस होगा? जी हाँ दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सच घटना है। और ये जो घटना है ये महाराष्ट्र के बारामती ज़िले की है। दोस्तों महाराष्ट्र में बारामती नाम का एक ज़िला होता है, वहाँ पर एक शख्स होता है, उसकी शादी जो है वो नवंबर के महीने में सन 2020 में होती है, यानी पिछले साल। जब ये शादी होती है सब कुछ सही होता है, टाइम गुजरता जाता है, एक महीने, दो महीने, चार महीने, छः महीने गुजर जाते हैं, सब कुछ सही होता है। लेकिन छः महीने बाद पत्नी को कुछ अजीब सा डाउट होना शुरू होता है। पत्नी के सामने पति ऐसी ऐसी बातें करता है कि काश ऐसा कुछ हो कि बहुत सारे लोग एक साथ एंजॉय करें, बहुत सारे लोग अपनी वाइफ को स्वैप करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके की दुनिया है जो पुरानी दरियाने की उसी पुरानी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आज की आधुनिकता है, हमें वो फॉलो करना चाहिए। युवक भी पढ़ा लिखा, लड़की भी पढ़ी लिखी, युवक की मानसिकता जो है इतनी गिर चुकी थी कि वो अपने दोस्तों को एक दिन बुलाया, उनको दारू पिलाया, उनसे बातचीत की, खाना खिलाया। लेकिन उस समय शायद परिवार का एनवायरनमेंट इस तरीके का बना कि वो दोस्तों को उस काम के लिए नहीं मना पाया जिस काम के लिए उसने बुलाया था। सिलसिला चलता रहा, उसने अपने दोस्तों को बुलाना शुरू किया, दोस्त आते, बातचीत करते, फिर चले जाते। लेकिन दोस्तों एक दिन एक जो घटना होती है वो ये होती है कि एक दोस्त को बुलाता है, बातचीत करता है, दारू पिलाता है और अपने दोस्त को कहता है कि मेरी वाइफ के साथ संबंध बना। वो जो दोस्त होता है वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए आया था, वो खुश हो जाता है, वो वाइफ के साथ जो है गलत हरकतें करना शुरू कर देता है, बात करना शुरू कर देता है, उसको छूना शुरू कर देता है। वाइफ परेशान हो जाती है, वाइफ ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन हस्बैंड और उसका दोस्त दोनों ने मिलके ज़बरदस्ती इस तरीके का जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो किया और उसकी वाइफ के साथ उसका दोस्त जो है वो रेप करता है। अब ये सिलसिला जो है चलता रहता है, वाइफ विरोध करती लेकिन हस्बैंड मानने को तैयार नहीं, कभी एक दोस्त आता, कभी दूसरा दोस्त आता, कभी तीसरा दोस्त आता, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। और ये सिलसिला लगभग 6 महीने चलता रहा। नवंबर 2019 की घटना है और दिसंबर का महीना 2021 का आ गया, नवंबर 2020 की घटना है और दिसंबर 2021 आ गया, लगभग 1 साल 1 महीने बीत गए। अब ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जो औरत होती है, जो नई नवेली दुल्हन होती है जिसकी शादी के अभी सिर्फ 1 साल हुए हैं, वो इस तरीके से परेशान हो जाती है कि वो लड़ झगड़ के किसी तरीके से अपने माँ के घर पहुँच जाती है और वो टूट जाती है। अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि माँ मेरे साथ आए दिन इनके दोस्त आते हैं, हम मेरे साथ गलत करते हैं, मेरे साथ रेप करते हैं और ये मेरा जो हस्बैंड है ये बगल में बैठ के हंसता है, मुस्कराता है, इसको मज़ा आता है। माँ जब ये घटना सुनती है तो माँ का कलेजा आप समझते हैं कितना कोमल होता है। माँ टूट जाती है, माँ रोना बिलखना शुरू कर देती है। माँ ऑन द स्पॉट अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाती है और वहाँ पे एक FIR लिखवाती है। पुलिस स्टेशन वाले फ़ोन करके उसके जो लड़की होती है, जो औरत होती है, उसके ससुराल के नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे फ़ोन करके FIR का अरेंजमेंट करते हैं और पति गिरफ्तार होता है। जब पति गिरफ्तार होता है तो पुलिस सख्ती से पेश आती है। पुलिस जब पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया, अपनी वाइफ का ही बलात्कार क्यों करवाया, तो जो शॉकिंग रिजल्ट आया उसको सुन के आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। हस्बैंड कहता है कि मैं समलैंगिक हूँ, मेरा रिश्ता ऑलरेडी लड़कों के साथ ही है, ये तो समाज को दिखाने के लिए मैंने इस लड़की की शादी कर ली, लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जिन दोस्तों के साथ रिलेशन है, गलत संबंध है, अवैध संबंध है, वो सारे के सारे दोस्त मेरी वाइफ के साथ भी इंजॉय करें जैसा वो मेरे साथ इंजॉय करते हैं। इस चीज़ को सुन के पुलिस बिल्कुल परेशान हो जाती है और उसके खिलाफ रेप की धारा लगाई जाती है। उसके साथ साथ उसके 8 और दोस्त जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं जो कि इस घटना में इन्वॉल्व होते हैं। आप समझिए दोस्तों कि किस तरीके की जो माइंडसेट है, मानसिकता है, वो विकृत मानसिकता समाज में रूप ले चुकी है, किस तरीके से लोग गिरी हुई सोच का शिकार हो रहे हैं। और अगर यही चलता रहा तो समाज का वो दिन दूर नहीं जबकि हम इस सब चीज़ों से परेशान होकर समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। कृपया सतर्क रहें, एक्टिव रहें और ऐसी किसी भी घटना का विरोध करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।